ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠାକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମୁଡ୍, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଚା ଖଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ 100 ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଚା ପିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏସବାର ଯେଉଁ ଚୁନାଓ 3 ତାରିଖ ହୋଇ ବାଲେ ହେଁ, ଆପଲୋକ କିସ୍ ମୁଦ୍ଦେ କୁ ଲେକର ଏସବାର ଭୋଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ ଯାଏଁଗେ, କ୍ୟା ହେ ଆପକୋ ସାମନେ ହେଁ ମୁଦ୍ଦା? ଦେଖିଏ, ହମ ଲୋଗୋଁ କା ମୁଦ୍ଦା ହେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी में सरकार जो है फेलियर है, 100% फेलियर। हम लोगों के बगल वैशाली विधानसभा में वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर संजीव जी का अच्छा पोजीशन है, वह चुनाव जीत रहे हैं। और यह पालू विधानसभा 97 है, यहाँ जो है पहले से बीजेपी पूर्व जो विधायक जी हैं उनका कोई क्रियाकलाप अच्छा नहीं है, जनता उनसे उब चुका है। और महागठबंधन का जो है वो हेलीकॉप्टर वाले हैं, इसलिए यहाँ निर्दल प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव जी का नेतृत्व में यहाँ के पूरी जनता उनके साथ। अच्छा, जैसे आपके पास यहाँ पे जिस तरह से बातचीत हम कर रहे थे, शिक्षा, रोजगार और कृषि, जो किसान हैं उन लोगों के भी अहम मुद्दे यहाँ पे रहते हैं, तो आपके सामने क्या मुद्दा दिखता है आप जब जाएंगे इस बार वोट देने के? हम लोगों की मुद्दा यही है कि सरकार को बदलना, और सरकार जब बदल जाएगी तो हम लोगों का कुछ राहत मिलेगा। कहा कि नया आदमी जो आएंगे वो तो कुछ न करके दिखाएंगे ज़रूर, नहीं करके दिखाएंगे तो फिर 5 साल में बदल देंगे उनको भी, समझे कि नहीं। हम लोग को बहुत चीज़ की कमी है, यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत चीज़ की कमी है। तो सड़क इस रास्ते से आप गुजरिए तो रास्ता सही नहीं मिलेगा, हाँ। और शिक्षा तो साफ़ी समाप्त है, एवं प्रकार की बहुत सी समस्या हम लोगों की है, क्योंकि समस्या को न सरकार देखती है, न विधायक देखता है, न कोई देखता है। न ब्लॉक में जाइए तो वहाँ पर भी सुनता नहीं है कोई हम लोगों की बात, समझे कि नहीं। यही सब बात है हम लोगों की समस्या। शिक्षा, रोजगार और जो विभिन्न प्रकार मुद्दा को लेकर ठक्कर प्रसंगों को भोट दबा जिबे, 15 साल पहले की सरकार, अभी भी सरकार, मतलब 15 साल से जो सरकार यहाँ पे लगी हुई है, पहले 15 साल से पहले और अभी में क्या परिवर्तन दिख रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार आपके सामने? अभी का जो सरकार का स्थिति है वो गरीबों के प्रति उनका कोई चाह नहीं है। गरीबों कहीं जाते हैं, भटकते हैं, जैसे थाना हुआ, ब्लॉक हुआ, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। और वर्तमान हमारे विधायक जी पालू 97 के माननीय अशोक कुमार जी है, वो गरीबों के प्रति उनका ध्यान ख्याल नहीं रहता है। और पूर्व अभी जो प्रत्याशी निर्दल माननीय शंकर प्रसाद यादव जी है, आम जनमानस में उनकी गरीबों के साथ एक चटैया पर बैठ के शेयर करते हैं। गरीबों के तत्काल कोरोना काल में उन्होंने राहत दिए, और बाढ़ राहत में भी चिवड़ा मीठा जहां तक हो सके गरीबों के बीच बांटे। इसलिए पारू 97 के गरीबों सभी शंकर प्रसाद यादव जी की हिम्मत देने का विचार बना लिए। तो आपके पास इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, जो बातचीत कर रहे थे कि शिक्षा, रोजगार के बारे में बातें कर रहे थे, किसानों की बातें हो रही है, आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे आप जिस मुद्दे को लेकर वोट देने जाएंगे इस बार? देखा जाए सर, मुद्दा तो हमारे भाई साहब ने सही बात बताई ना, इसलिए कि हमारे बिहार में जो विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, ये मुकम्मल ये सरकार जो है फेल है। हमारी यहाँ के बिहार का सरकार 15 साल इन्होंने राज चलाए, और राज चलाते हुए में भी इन्होंने पूरे फेल खा गए हैं। हमारे बच्चे बच्चियाँ कोई विकास के और कोई काम के आगे कोई बढ़ावा जो होता है, इन्होंने जो वादा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बिल्कुल उल्टा हो रहा है, और उल्टा इन लोगों ने करके ही रखा है, कोई विकास दिख नहीं रहा। प्लस हमारी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारी दिन ब दिन हमारी बेटियों को हत्या किया जा रहा है, रेप केस किया जा रहा है। और हम लोग को परेशानी सर यही है कि हमारे जो विधायक हैं या हमारे क्षेत्र में जो भी घटनाएँ बढ़ रही हैं, हमारी सरकार इसमें नाकाम है। तो कहना यही है कि हमारे 97 पारू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जो है शंकर भाई बहुत व्यवहारिक आदमी हैं, निर्दल उम्मीदवार हैं, और युवा पीढ़ी से उन्होंने हम लोग को चाहे हैं और अभी भी चाह रहे हैं। बार पीढ़ी तक जो अभी आई है इसमें हम लोग को ये सरकार जो है, हमारी 15 साल के सरकार जो अभी पीरियड में है, ये
एकदम नाफे मैंने फेल ही खा चुके हैं। हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, इसलिए हमारे शंकर भाई जो है बहुत करीबी नेता और चाहत वाले जिनको बोला जाता है, इनके दिलों में अल्लाह चाहत दिया है और अल्लाह का फजलो करम है कि अच्छे वोट से, अच्छे खासा वोट से शंकर भाई हमारे 97 पारू विधानसभा क्षेत्र से वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हम लोग की दुआ उनके साथ है। विभिन्न प्रकार प्रसंग रही मुद्दा रही रोजगार कथा कहतु, शिक्षा कथा कहतु, चाषी कथा कहतु कि असुविधा समय जी सहायता कैसे से हूँ तक मूल प्रसंग। इस बार जो बारे में बातचीत हम कर रहे थे, विभिन्न प्रकार दो के मुद्दों को लेकर हम चर्चा किए, जो बातचीत बता रहे थे, आपके सामने क्या मुद्दा है इस बार वोट देने के लिए? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ बिहार में है बदलाव, और वो बदलाव क्यों है, किस कारण बस है। आपने सुना होगा 2014 से हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, उन्होंने क्या क्या बात बोले थे, सारी लॉलीपॉप दिए, वो सारे चीज़ उल्टा हो रहे हैं ना। और यहाँ के सिटिंग MLA BJP का MLA है, आप समझ लीजिए कि वो मतलब वो जो बोलते हैं कि दिन हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये रात हो रहा है। और इस बात को इस मरतबे यहाँ के विधानसभा में पूरे बिहार में इस बात को जनता समझ गई है, और भली भांति समझ गई है कि भाई ये मुखौटा लगा के, चेहरा लगा के, और ये कह रहे हैं कि भाई अब फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है, होशियार हो जाओ। ऐसी कोई बात है नहीं। बिहार में इस सारे लोग को, चेहरा को, ये लॉलीपॉप जो जितना दिए हुए हैं, इस चीज़ को जनता भली भांति समझ गई है। बिहार की जनता, खास करके बिहार के जनता को बुर्बक समझने वाले इस मरतबे बुर्बक बनेंगे। ये मेन मुद्दा है कि इन्होंने बेरोजगारी पर वोट मांगा था, महंगाई पर वोट मांगा था, और ये सारे चीज़ में शिक्षा के दिशा में जो काम हो रही है वो सारे ख़त्म है बिहार से, और ये पूरा नृत्य के हिसाब हो गया है। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, धोखाधड़ी का बाजार चल रहा है। खाली हम बोली से आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं, खाली आप बोल के आप हमारे वोट ले लीजिएगा और काम नहीं कीजिएगा, तो जनता इस बात को समझ गई है, और जनता ईमानदारी पूर्वक आपको जिस तरीका से वोट दिया था उसी तरीका से जनता आपको जगह पर पहुंचाएगी। ये पारू 97 विधानसभा से यहाँ के स्थानीय लोकल उम्मीदवार शंकर प्रसाद यादव भारी मेहनत से विजय प्राप्त करेंगे। प्रसंग रही परिवर्तन करने चाहूँ, स्वाधीन प्रार्थी जी रही जितनेकर वोटर मानक प्रतिक्रिया रही करते परिवर्तन की बातें कर रहे थे, परिवर्तन कैसा होना चाहिए, किस नजरिए से आप देखते हैं परिवर्तन होना चाहिए या वोटर के हिसाब से? परिवर्तन की लहर तो चल ही रहा है, इसलिए चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी थे या मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन मिला था ये जनता के बीच, और नौजवान जो पढ़े लिखे हुए हैं जो बहुत आशा और उम्मीद से उनको वो लोगों को वोट किया था, लेकिन वे खड़ा नहीं उतर पाए। बेरोजगारी घटना चाहिए, बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ ही रहा है बेरोजगारी, इसलिए कि जितने भी फैक्ट्री यहाँ जो थी, कंपनियाँ जो थी, सारे कंपनी फैक्ट्री जो है से प्राइवेट में जा रहे हैं, तो प्राइवेट वाले जो उनका इच्छा है उन्हीं को न रखेंगे, जो उसमें हमारे बिहार के जो लेबर के काम करने वाले थे, चाहे जो भी काम करने वाले थे, उनको जो महीना जो था 25,000 30,000 40,000 जो पहले मिलता था, आज वो 10,000 12,000 8,000 पर 12 घंटा जो है से पशु की तरह काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये सारा चीज़ रोक रहा है। और आप देख सारे लोग ये इससे होगा कि लॉकडाउन में भी राजनीति किए हैं, ये सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लॉकडाउन लगा करके फिर जो है हमारे बिहारी को जो है गाय भैंस की तरह जो है से फ्री कर दिए, और पैदल वहाँ से चलने का कार्यक्रम करा दिए, कोई सवारी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, उसमें भी बहुत से मरे हैं। नंबर दो, ये बिहार सरकार जो है शराबबंदी की बात किए, लेकिन शराबबंदी ने हुआ नहीं, ऐसे शराबबंदी हो गया, लेकिन उनका नोट का काम चल रहा है, उनके प्रशासनिक स्तर से पदाधिकारी लोग जो हैं वे जिला में हो या बिहार में जो शराब का खेप पहुंचवा करके पदाधिकारी उनको पर गाड़ी 2,03,000 रुपया वसूली करके और बिहार सरकार तक पहुंचा रहा है, उनका काम चल रहा है। बात तो बहुत सी है, कहने के मतलब है कि अभी जो बाढ़ आया था हमारे 97 पारू में हम सभी आदमी ने आंदोलन भी किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक जो है से कुछ सुने नहीं, जनता के लिए भी कुछ सुने नहीं और किए भी नहीं,
अभी हमारे जनता जो हैं सारे त्रस्त हैं। बहुत जगह अगल बगल में बहुत जगह 6,000 रुपया मिला है, घर में किसी घर में 2 आदमी को मिला 12,000 रुपया मिला, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला है। और अभी स्थानीय जो अभी विधायक हैं इनका यही स्थिति है। और अभी हम लोग जो शंकर प्रसाद यादव को जो वोट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उनके इसके पहले भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन ये इनको 70,000 वोट आया था और जीते हुए हैं जो विधायक उनको 80,000 आया था। तो अगले बार जो समाज टूटा हुआ नहीं है, समाज बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। इसलिए वह 5 साल चुनाव हारने का बाद बैठे नहीं हैं, विधायक बैठ गए हैं, विधायक अपना पेट्रोल पंप खुलवाने में लगे हुए हैं, बहुत सा वो अपना विकास में लगे हुए हैं, लेकिन गरीब जनता के विकास में नहीं लगे हैं। परिवर्तन चाहिए। आप एक युवा हैं, क्योंकि इस बार आप देखे होंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने वादा भी किया है, कोई बोल रहे हम 10 लाख रोजगार देंगे, कोई बोल रहे हम 19 लाख रोजगार देंगे, कोई बोल रहे हैं हम युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। आप कैसे देखते हैं इन वादों को? आप एक युवा हैं तो इन राजनीतिक पार्टियों के वादों को कैसे देखते हैं, कौन ये वादों को पूरा करेगा आप उम्मीद रखते हैं? वादा तो युवा ये पूरा करेंगे, इस पर विश्वास तो रखना ही होगा, विश्वास करने से तो कुछ हो पाएगा। 15 साल की सरकार है तो उसको बदलाव करके ही देखने पर ही ना कुछ होगा। 15 साल उनको समय दिया गया तो 5 साल इनको भी दिया जाएगा, रोजगार नहीं देंगे फिर इनको भी ये किया जाएगा, हटाया जाएगा, फिर दूसरा कोई आएगा, यही है। आपके सामने इस बार तो आप इस बारे में बात की, मुद्दा आपके पास क्या रहेगा इस बार वोट देने जब आप जाएंगे? बेसिक मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब हमारे पाड़ी विधानसभा साफ चौपट है। इसके पूरे 15 साल के पूर्व विधायक मिथिल जी थे यहाँ, तो उस समय ही ये रेफरल अस्पताल की बिल्डिंग उन्हीं की शासनकाल में बना और आज तक वह चालू नहीं हो पाया, ये माँ अशोक सिंह के रीजन में यही है। बढ़िया स्कूल नहीं है, मेरे पंचायत में हाई स्कूल नहीं थी अभी तक, ये बगल में रोड है देख लीजिए जाए क्या स्थिति है। 15 साल तक यहाँ की जनता विधायक जी के यहाँ दौड़ते रहे, चप्पल घिस गया, लेकिन आज तक केवल आश्वासन पे आश्वासन देते रहे हैं, आंदोलन भी किए लेकिन झूठा आश्वासन देते रहे। केवल उनका काम है कहीं जाकर 54-200 रुपये कर देना, यही करते हैं, कोई विकास का आज तक ये विधानसभा में आज तक बोले तक नहीं, आज तक कोई उनको बोलते हुए नहीं देखा होगा एक शब्द। तीसरी पास है बस हम लोग मुद्दा और जो बातें कर रहे थे परिवर्तन की बात, आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या मुद्दे हैं इस बार? सर इस बार परिवर्तन तो होना चाहिए, और हमारे पारू विधानसभा क्षेत्र से जो शंकर प्रसाद यादव है, हर एक पंचायत जाकर के पंचायती किए हैं, हर एक गांव जाकर के वो एक ऐसा कमेटी बनाने का काम किए हैं जिससे हमारा समाज खुश हो, और वो विकास वाले आदमी हैं, विकास की बात करते हैं। हमारे पारू विधानसभा क्षेत्र में वो गारंटी कार्ड लाए हैं, जो कि गारंटी कार्ड का लाभ हर एक पंचायत को दिया जाएगा 4-4 लाख रुपया। और कल पारू विधानसभा क्षेत्र में हमारे तेजस्वी जी आए थे, जो कि माला का इशारा देते हुए और पब्लिक को दिखा करके गए कि यही माला है, आप माला पर सोच समझ के वोट कीजिए और माला को जिताने का काम कीजिए। और हमारे पारू विधानसभा के जितने भी बैंस बनिया हैं, हम बैंस बनिया का से ही आते हैं, हमारे पास दुकान है, हम अनुरोध करते हैं कि आपका एक एक बहुमूल्य वोट शंकर भाई के लिए होगा। जय हिंद। शिक्षा विकास रोजगार स्वास्थ्य एवं वर्तमान जी रही विधायक तांकु परिवर्तन करिबार स्वर दिछंती एठाकर बासिंदा, एवं जेहेतु बिहार गत 15 वर्ष एनडीए सरकार रही, नीतीश कुमार सरकार सरकार रही, तो निहत भाव में एठाकर भोटर मान परिवर्तन करिबार समय स्वर देछंती, स्वर उठैछंती एवं दाबी देछंती शिक्षा रोजगार एवं स्वास्थ्य को प्रसंग करि माने थरे भोट देबे। जो देखिबाक बाकी रहिला एठाकर भोटर माने कहाकू भोट देछंती, कहाकू विजय मुकुट पिंधौछंती, तापर मध्ये नजर रहिबो। मुजफ्फरपुर कैमरा पर्सन टुना मननक सह इमरान खान, अर्गस न्यूज़।